हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक धमाकेदार बैल्कनी मेकओवर। ये जो बैल्कनी है मेरे मास्टर बेडरूम के साथ अटैच्ड है और बहुत ही फंक्शनल है। यहाँ पे हम कपड़े वगैरह सुखाते हैं और अब तक ये बैल्कनी बहुत ही बोरिंग था। जब से हम लोगों ने यहाँ पर शिफ्ट किया है, यहाँ पर कुछ काफ़ी सारे सामान इस बैल्कनी में पड़ा हुआ था, तो अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक लुक मैंने क्रिएट किया है और बहुत सारे DIY किया है। ये जो मेकओवर है कम्प्लीटली ज़ीरो बजट है, बहुत सारे DIYs है। आशा करती हूँ कि आपको हर एक छोटे छोटे DIY अच्छा लगेगा। बाहर से मैंने बहुत ही मतलब DIY बनाने के लिए जो भी चीज़ें सामान मुझे चाहिए था वही मैंने ख़रीदा है। अलग से कोई भी डेकोर आइटम मैंने बाहर से नहीं खरीदा है। तो आशा करती हूँ ये जो मेकओवर है आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ इंडियन ब्लॉगर सुतपा सिंह। सो विदाउट एनी मोर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टूडेज वीडियो। आज की मेकओवर का सबसे पहला DIY ये प्लास्टिक बॉटल्स था कोल्ड ड्रिंक का, जिसे मैंने कट करके उसमें चार होल्स बना लिया है। मैं चॉक पेंट तैयार कर रही हूँ और उसी चॉक पेंट से इन सारे बॉटल के बेस को हम पेंट करेंगे। अभी मैं पर्पल चॉक पेंट से इसके ऊपर सेकेंड कोट अप्लाई कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं कुछ लीव्स एंड फ्लावर्स के डिजाइन्स बना रही हूँ। पेंटिंग्स कंप्लीट हो जाने के बाद ये छोटे छोटे ग्लास मिरर को मैं इस बॉटल के ऊपर फेविकॉल के मदद से स्टिक कर रही हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल्स के जो ऊपर वाले पोर्शन है उसे हम बनाएंगे छोटे छोटे प्लांटर्स। सारे बॉटल्स का जो बेस है उसे व्हाइट रखे हैं और इन सारे बॉटल्स के ऊपर डिफरेंट कलर से छोटे छोटे डिजाइन्स बना रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल्स को रिसाइकल करके हमने बना लिया है 6 प्लांटर्स। आज का सेकेंड DIY है 2 डिफरेंट वॉल आर्ट, जिनमें से एक है लिपन आर्ट जो कि मैं पहली बार करने जा रही हूँ। लिपन आर्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पुराने CDs, मोल्डेड क्ले, फेविकॉल एंड कुछ ग्लास मिरर्स एंड एक्रेलिक कलर्स। मैंने इन सारे CDs पे चॉक पेंट से बेस पेंट कर लिया है। सारे CDs के ऊपर मैंने ऑलरेडी पेंसिल से स्केच बना लिया है। अभी मैं एक टूथपिक से इसके ऊपर कुछ डिजाइन्स बना रही हूँ। इसे पेंट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ व्हाइट, ऑरेंज एंड येलो एक्रिलिक पेंट। Thank you.
इसे हाईलाइट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ डार्क ब्लू कलर। अभी मैं फेविकॉल के मदद से इनके ऊपर सारे डिफरेंट शेप्स के ग्लास मिरर स्टिक कर रही हूँ। ये है दूसरा मिरर आर्ट, इसके ऊपर मैंने मोल्डेड क्ले से कुछ डिजाइन बनाया है। सारे लिपन आर्ट के कलर थीम एक जैसे ही है। ये एक थीम बेस्ड प्लाईवुड पीस था जिसके ऊपर मैंने पेंटिंग किया है और कुछ फ्लावर्स एंड लीव्स का डिजाइन बनाया है। जितने भी सारे लिपन आर्ट मैंने बनाया है इन्हें अभी मैं इस बोर्ड के ऊपर 3M टेप के मदद से स्टिक करूंगी। आप 3M टेप के बदले 2-way टेप भी यूज कर सकते हैं। अनदर वन प्लाईवुड पीस है जिसपे मैंने ब्लू येलो एंड ग्रीन शेड से पेंट कर दिया है। मैं ये फ्लावर बंच लेके आई थी, इसे अभी मैं 5 ब्रांचेस में कट करूंगी। एम्प्टी एक्रेलिक पेंट्स के बॉटल्स को POP लिक्विड से फिल करेंगे और एक एक ब्रांच इसमें स्टिक करते जाएंगे। सारे बॉटल्स को 2-way टेप के मदद से इस प्लाईवुड के ऊपर स्टिक कर देंगे। ब्लैक एक्रिलिक पेंट से मैं सारे बॉटल्स के ऊपर कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स लिख रही हूँ। मेरे पास ऐसे ही कुछ प्लास्टिक के छोटे छोटे टेबल मैट्स हैं। इसके ऊपर मैंने बर्ड्स ड्रॉ किया है। सीजर के मदद से हम बर्ड्स के शेप को अच्छे से काट के निकालेंगे। मैंने कुछ विंग्स भी ड्रॉ किया है, उसे भी अच्छे से काट लेंगे। मेरे एक पुराने डायरी में कुछ कलरफुल प्लास्टिक शीट्स थे। इन सारे प्लास्टिक शीट से मैंने ढेर सारे कलरफुल बर्ड्स तैयार किया है। सारे विंग्स को फेविकॉल के मदद से बर्ड्स में स्टिक किया है। सारे जो प्लास्टिक शीट्स है थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, इसलिए फेविकॉल बाहर से विजिबल हो रहा था, इसलिए मैंने एक्रिलिक पेंट से सारे जो विंग्स है उसे पेंट कर दिया है। अभी मैं ब्लैक एंड व्हाइट कलर से इन सारे विंग्स के ऊपर कुछ डिजाइन्स बना रही हूँ। अभी मैं एक निडल को बहुत ही अच्छे से गर्म करके इन सारे बर्ड्स के ऊपर 2-2 होल्स बना रही हूँ। अभी मैं एक ड्राई ब्रांच के ऊपर कुछ थ्रेड के मदद से इन सारे बर्ड्स को हैंग कर रही हूँ। गार्डन डेकोरेशन के लिए मोल्डेड क्ले से मैं बना रही हूँ कुछ हनी बीज एंड फ्लावर्स। ये मेरे पास कुछ बम्बू स्टिक्स था जिसे मैं यूज कर रही हूँ हनी बीज और फ्लावर्स बनाने के लिए। हनी बीज के विंग्स बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये पिस्ता शेल।
नेक्स्ट DIY है स्टोन आर्ट। तो गार्डन डेकोरेशन के लिए मैं कुछ बग्स पेंटिंग कर रही हूँ स्टोन पे। स्टोन के ऊपर मैं एक छोटा सा हार्ट पेंटिंग कर रही हूँ। मेरे पास ये प्लास्टिक का बहुत बड़ा सा गमला था, तो मिनिएचर गार्डन क्रिएट करने के लिए मैं इसके ऊपर चॉक पेंट से पेंट कर रही हूँ। PUP के ये छोटे छोटे टुकड़े हैं जिसे मैंने पहले कुछ बनाया था लेकिन फिर बाद में उसे तोड़ दिया, तो उसी से अभी ये रोड बना रहे हैं। Now the most interesting part is the makeover। काफ़ी सारे जो DIY है मैंने ऑफलाइन किया है। ये जो वाटर ड्रम आप देख रहे हैं इसे मैंने रिसेंटली रीपेंट किया है टू गिव अ न्यू डिफरेंट लुक। PVC पाइप एंड फनल से बना हुआ ये जो स्टैंडिंग लैम्प है इसे मैंने बेडरूम मेकओवर के लिए बनाया था। इसे भी एक नया लुक देने के लिए मैंने रीपेंट किया है। जितने भी सारे वॉल आर्ट मैंने बनाया है अभी मैं इसे बालकनी में हैंग कर रही हूँ। ये जो लिपन आर्ट मैंने बनाया है ये कैसा लगा बताना जरूर कमेंट करके। अब छोटे छोटे जो भी निक नैक DIYs मैंने बनाया है उससे मैं मेरे गार्डन को डेकोरेट कर रही हूँ। ये जो भी सारे प्लांटर्स मैंने बनाया था इसे पहले ही मैंने हैंग कर दिया था। ये जूट रग मेरे पास पहले से ही था, तो अभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा सिटिंग एरिया क्रिएट कर रही हूँ। फ्लोर पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पेंट के मार्क्स हैं, तो मैं यहाँ पे बैठ के बहुत सारे ऑयल पेंट्स वगैरह करती हूँ। प्लाईवुड के जो फर्नीचर्स होती हैं या फिर वुडन फर्नीचर्स जिसे रीपेंट करने होते हैं तो मैं यहीं पे बैठ के करती हूँ। इसीलिए मैं इस बालकनी में ग्रास मैट के बदले ये जो रंग मेरे पास था उसे ही यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स प्लीज़ वॉच टिल द एंड टू सी द कम्प्लीट लुक ऑफ टुडेज मेकओवर। ये जो छोटा सा बॉटल है इसमें मैंने पहले ही पेंटिंग किया था, अभी मैं इसे एज अ फ्लावर्स यूज़ कर रही हूँ। जो बालकनी है ये बहुत ही फंक्शनल है, यहाँ पे हम कपड़े सुखाते हैं, तो सीलिंग में हम लोगों ने रॉड फिक्स किया है और उसी पे मैंने ये जो बर्ड हैंगिंग है उसे हैंग किया है। मैंने जितने भी सारे बर्ड्स DIY किया था इन सारे बर्ड्स को बालकनी के डिफरेंट डिफरेंट जगह में प्लेस किया है जिससे हमारा ये बालकनी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मेरे पास जितने भी सारे छोटे छोटे डेकोर आइटम्स था और जितने भी सारे DIYs मैंने बनाया है उसी के साथ मैंने ये छोटा सा मिनिएचर गार्डन क्रिएट किया है।
अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारे ये छोटा सा बालकनी गार्डन का दिन का व्यू। ये जो ड्रीम कैचर है इसे भी मैंने पहले ही DIY किया था। बालकनी गार्डन में या फिर बैकयार्ड में ड्रीम कैचर हैंग करना बहुत ही शुभ माना जाता है वास्तु के हिसाब से। मुझे यहाँ पे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। एक कप चाय के साथ मैं यहाँ पे बैठ के काफ़ी सारे टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। नाउ इट्स टाइम टू शो यू द फाइनल लुक ऑफ आवर बालकनी गार्डन विथ लॉट्स ऑफ मैजिकल लाइट्स। दोस्तों आज का ये बालकनी मेकओवर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना ज़रूर। मैंने बहुत सारे DIYs किया है तो इन सारे DIYs में से आपको कौन सा DIY सबसे अच्छा लगा वो भी कमेंट पे ज़रूर बताना। दोस्तों आपसे मिलती हूँ अनदर वन इंटरेस्टिंग होम डेकोर वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।